नमस्कार दोस्तों, वशीकरण के टोटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका को दिल से चाहते हैं। यदि आपके दोनों के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो चुका है, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, तो यह छोटा सा उपाय करने से आप अपने प्रेमी हो या प्रेमिका हो उसको हमेशा हमेशा के लिए वश में कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वशीकरण करने की सबसे आसान विधि, आपको एक पीपल का पत्ता लेकर आना होगा और एक कोयला और एक आपको नीले रंग का मार्कर, जिसके दौरान से आप अपने प्रेमी हो या प्रेमिका हो उसको हमेशा हमेशा के लिए वश में कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, आपको उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है और नीचे लाल कलर का आसन बिछा लेना है। तो आपको यह आपको समय बताऊंगा, समय वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कितने बजे आपको करना है। दोस्तों सबसे आसान उपाय यही होगा, सबसे पहले अपना नाम लिख दें, जैसे कि रानी, और इसके नीचे इसका उम्र लिख दें और नीचे आपको इस प्रकार से बना लें गणेश जी, और अपना नाम लिख दें जैसे कि विजय, उम्र 25। इस प्रकार से आपको यह लिखना है और लिख देने के बाद में आपको इसी प्रकार से पकड़ लें। पकड़ने के बाद में आपने मंत्र बोलना है, सिर्फ मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम अमुखे वश करूं करूं स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र आपको 11 बार बोलना है और 11 बार बोलने के बाद में इसको कोयले को इस प्रकार से रख दें और रख देने के बाद में इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद में इसको मौली के साथ में बांध दें, साथ मौली के साथ में इसको बांध दें। बांध देने के बाद में इसको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों इससे बहुत ही महाशक्तिशाली वशीकरण हो जाएगा, जिसको आप चाहते हैं वह खुद ब खुद कॉल करेगा। दोस्तों यह बहुत ही आसान विधि है, यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपको इस चीज़ का परिणाम मिल जाएगा। दोस्तों समय है आपको सही, रात के समय में 11 बजे और 12 बजे के बीच में ही आपको करना है। दोस्तों ऐसे करते ही आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो हमेशा हमेशा के लिए वश में हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।